सब्सक्राइब कीजिए जायकेदार खाना चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाइए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जायकेदार खाना। आमों का सीजन चल रहा है तो चलिए बनाते हैं आम रस पूरी। आम रस बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है और इसके साथ अगर गर्मा गर्म पूरियाँ मिल जाएँ तो मज़ा ही कुछ और है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस टेस्टी रेसिपी को बनाना। आम रस बनाने के लिए मैंने आधा किलो बादामी किस्म के आम लिए हैं। जो भी किस्म हमें आमों की मिल जाए हम वो ले सकते हैं, बस ख्याल रखें आम पके हुए होना चाहिए। 200 ग्राम पका हुआ ठंडा दूध लिया है, दूध को पकाकर ठंडा करके ही यूज़ करना है। आधी कटोरी कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हम अपनी पसंद से ले सकते हैं। आधी कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा पिसी हुई शक्कर है, शक्कर हम अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। एक छोटा चम्मच इलायची पाउडर है। सबसे पहले आमों को अच्छी तरह धो लेंगे। अब एक एक करके आमों के छिलके मैं निकाल लूँगी, पतला छिलका निकालना है। अगर ज़्यादा पके हुए आम हैं तो रस भी निकाल सकते हैं। सारे छिलके मैंने निकाल दिए हैं, अब आमों को टुकड़ों में मैं कट कर लूँगी। देखिए इस तरह से एक आम उठाकर उसकी पहले सबसे पहले लंबी चीर करेंगे और उसको मैं टुकड़ों में कट कर लूँगी। इसी तरह मैं सारे आमों को काट लेती हूँ। सारे आम मैंने काट लिए हैं, देखिए गुठले से भी पूरा गुदा निकाल लिया है। अगर रस वाले आम हैं तो गुठलियों को बाद में पानी में डालकर उनसे भी सारा गुदा निकाल लेंगे। अब एक मिक्सिंग जार लेकर उसमें आधे आमों के टुकड़े, दो बड़े चम्मच में शक्कर और आधा दूध, आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर डालकर पीस लूँगी। महीन पेस्ट बनाना है, देखिए इस तरह से मैंने बारीक पीस लिया है। अब जो बचे हुए आम, इलायची पाउडर, दूध और शक्कर है वो डालकर मैं इसका भी पेस्ट बना लेती हूँ। अगर आम ज़्यादा खट्टे हैं तो हम थोड़ा सा शक्कर पाउडर ज़्यादा डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से सारा पेस्ट बन चुका है। अब इसमें मैं जो कटे हुए ड्राई फ्रूट्स है वो डालकर मिक्स कर लूँगी। देखिए फ्रेंड, ये हेल्दी टेस्टी आम रस बन चुका है। अब इसको ठंडा होने के लिए मैं फ्रिज में रख देती हूँ, जब तक पूरियाँ बना लेते हैं। पूरियों को आटा गूंदने के लिए मैंने दो कटोरी गेहूं का आटा लिया है। इसमें दो बड़े चम्मच में तेल और आधा छोटा चम्मच नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। जब नमक और तेल आटे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सख्त आटा गूंदूंगी। देखिए इतना सख्त आटा मैंने गूंदा है, ढककर 10 मिनट के लिए रख देती हूँ। 10 मिनट के बाद मैं कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। जो आटा 10 मिनट पहले रखा था उसको मैं थाली में से निकाल कर एक बार हाथों से अच्छी तरह चिकना कर लेती हूँ। जब आटा चिकना हो जाएगा तो छोटी छोटी लोइयां तोड़ लूँगी, नींबू से भी छोटी साइज़ की लोइयां तोड़ेंगे। चार लोई मैंने तोड़ ली हैं, बाकी की आटे की पूरियां मैं बाद में बनाऊंगी। लोई तोड़ने के बाद में उनको गोल कर लेंगे। पटे पर थोड़ा सा तेल लगाकर लोई को पूरी के आकार की मैं बेल लेती हूँ। देखिए पूरी बन चुकी है, गर्मा गर्म तेल में डालकर दोनों तरफ से ब्राउन फ्राई कर लेंगे। देखिए इस तरह से पलट पलट कर ब्राउन फ्राई कर लेना है। किनारों को दबा देंगे जिससे किनारे भी अच्छे से फ्राई हो जाए। तिरछा करके तेल निथार कर निकाल लेंगे। बाकी की पूरियां भी मैं इसी तरह बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, जब बेहतरीन आम रस और गर्मा गर्म पूरियां बन चुकी हैं। बहुत ही जायकेदार डिश है ये और सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। गर्मी के मौसम में इसको बनाएं, खाएं और सभी को खिलाएं, सभी आपकी तारीफ़ करेंगे। वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक बार फिर जायकेदार खाने में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।